जब हम दोनों में इख्तलाफ होता है ना और बात बहुत आगे बढ़ने लगती है तो तुम्हारे अबू उठकर बाहर चले जाते हैं। वो इसलिए कि तैश के आलम में वो कोई ऐसी बात ना कह दें जो मेरे दिल में रह जाए और फिर मैं भी कोई ऐसी बात ना कहूँ जो उनके दिल में रह जाए। वाह क्या बात है आप लोगों की। तो भाई ये मामला हल कैसे होता है? जब वो थक हार कर घर आते हैं ना तो मैं सॉरी कह देती हूँ। अच्छा तो अब्बू ने कभी सॉरी नहीं किया आपसे? वैसे तुम मशरकी मर्दों का बिना ब्लैकमेलिंग में कोई सानी नहीं, गलती खुद की हो या बेगम की हो, सॉरी तो बेगम ने ही कहना होता है। अरे अम्मी हमें अच्छी तरह पता है अब्बू आपसे ज्यादा देर दूर नहीं रह पाएंगे, आते ही होंगे, फिर हम आपकी सुलह करवा देंगे ना।